ये है विनायक न्यूज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शासन से साधु ने की मंदिर बनवाने की मांग। जिला कलेक्टर श्री वेद प्रकाश जी इस और ध्यान दे धर्म आस्था से जुड़ा मुद्दा है ये। जहां साधुओं को लेकर भारत की राजनीति में हमेशा राजनीतिक दल सहयोग करने की बात बड़े बड़े मंचों से कहते हैं, पर वास्तविकता कुछ और ही है। नरसिंहपुर जिले में राजनीतिक समीकरण को चलते हुए जनपद पंचायत साईखेड़ा में आने वाली ग्राम पंचायत पिटरास में ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों को सहयोग से साधु द्वारा परिक्रमा करते हुए ग्राम के नागरिकों ने सहयोग करते हुए साधु को रोक लिया। साधु ने भी माँ नर्मदा की कृपा से नर्मदा तट पर शिव शंकर भगवान का मंदिर बनवाने का लक्ष्य सामने लेते हुए कार्य में भागीदारी लेते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया। क्षेत्र पूर्व विधायक श्री गोविंद सिंह पटेल द्वारा ग्राम पंचायतों के नागरिकों के बाद रखते हुए मंदिर निर्माण के लिए साधु को 1,00,000 की राशि दी। साधु ने यहां वहां भक्तों से सहयोग कर मंदिर निर्माण के लिए कार्य चालू कर दिया, जिसमें नागरिकों का विशेष सहयोग रहा। ग्राम पंचायत में हम आपको बता दें, साधु द्वारा आरोप लगाया गया है कि विगत महीनों में नोटिस जारी कर पुलिस प्रशासन को भेजकर मंदिर निर्माण को रोका गया। यह गलत काम प्रशासन द्वारा किया गया। प्रशासन नायब तहसीलदार का कहना है कि यह जमीन शासकीय है, इस कारण मंदिर का निर्माण रोका गया। साधु ने आरोप लगाते हुए कहा, ग्राम में 71 एकड़ जमीन शासन की है। शासन ने उन जमींदारों को खेती करने से नहीं रोका, पर धर्म सेवा नर्मदा भक्तों के लिए मंदिर निर्माण हो रहा था, जिसमें ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों का सहयोग था। इस मंदिर को निर्माण होने पर क्यों रोका गया, यह सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से है। हम साधु भगवान को स्मरण कर जन सेवा, मानव सेवा, धर्म सेवा करते हैं। प्रशासन हमको क्यों परेशान कर रहा है? हम अपील करते हैं जिला कलेक्टर श्री वेद प्रकाश जी से। क्यों है बड़े नाई जिला कलेक्टर नर्मदा तट पर आकर समझे यहाँ क्या गलत है। हम साधुओं को सहयोग करें, धर्म लाभ ले और सत्य का साथ दें। हमें विश्वास है जिला कलेक्टर इस और बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि ग्राम नागरिकों का सहयोग है। मंदिर निर्माण में तो क्या गलत है। जिला कलेक्टर श्री वेद प्रकाश जी साधु का सहयोग कर माँ नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी हमारी अपील प्रशासन से भी है, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से, अधिकारियों से है, क्योंकि मंदिर निर्माण हो चुका, छत डालना और है, भगवान शिव पार्वती गणपति को मंदिर में विराजमान करना है। हम साधुओं की बात को प्रशासन समझे और सहयोग करे, यही धर्म लाभ आज जिला प्रशासन अधिकारियों के लिए है और नेताओं के लिए भी, क्योंकि शासकीय जमीन पूरे जिले में कौन कौन कहां कहां गलत तरीके से अपने कब्जे में लिए हुए है, यह प्रशासन को खबर है। साधु को परेशान ना करके प्रशासन सहयोग करे। यह जन अपील और धर्म अपील भी है। नरसिंहपुर जिले से विनोद चौकसे की खबर। से मंदिर पर नर्मदा किनारे पर आए हुए हैं। यहाँ पर संत द्वारा यह मंदिर निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन ने इस मंदिर पर रोक लगा दी है। वह अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन से कुछ कहना चाह रहा है। दादाजी, क्या नाम है आपका? मोहनदास त्यागी। क्या समस्या आ रही दादाजी मंदिर पर? ये मंदिर रोक दिया। हाँ। बोलते हैं ये अवैध कब्जा है, और यहाँ जो है हमने यहाँ हम आए थे, परकम्मा में चल रहे थे, तो ये गांव वाले ने हमको रोक लिया। तो विधायक निधि से यहाँ 1,00,000 रुपए मिला था, और वो 1,00,000 रुपए चबूतरा बनाया सरपंच ने। कौन विधायक निधि थे 1,00,000? ये गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह ने 1,00,000 रुपए दिए, सरपंच ने चबूतरा बनाया, और चबूतरा फिर से हमने मांग मांग के दो दो चार चार पाई मांगा है हमने सब गांव में क्षेत्र में, और हमने ये थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ कर और ईंट गिला जो भी है हमने ऊपर छत तक कर दिया, और जब छत तक हमने किया तो शासन ने रोक लगा दी, जबकि ये 4 साल से मंदिर बन रहा है। किस कारण से रोक लगा दी? कारण क्या है? वो यही बोलते हैं, बोले अवैध जगह है। अभी हाँ, अवैध जगह तो 72 एकड़ है, ये 1500 फीट स्क्वायर फीट पर ये शासन रोक लगा रही है, इनको शर्म नहीं आ। ग्राम पंचायत के सभी नागरिक आपके साथ हैं? सब साथ हैं, पूरा क्षेत्र साथ है, गांव वाले सब नागरिक साथ हैं हमारे, और हम भी यहाँ के नागरिक हो गए। फिर भी प्रशासन आपका विरोध कर रहा है? हाँ, फिर भी शासन विरोध कर रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
अरे हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम साधु हैं, भजन करते हैं, यहाँ परकम्मावासी आते हैं, ये सरों वाले आते हैं, नहाने वाले आते हैं, हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ प्राचीन प्राचीन पहले से यहाँ शंकर पार्वती की मूर्ति खड़ी थी, हमने उस पर छाय की और उनका ही उन्होंने चबूतरा दिया था गोविंद सिंह ने, तो हम छाय बना रहे हैं तुम लोगों के लिए और शंकर जी के लिए। अब इसमें अब शासन की क्या राय है, जिला कलेक्टर श्री वेद प्रकाश जी तक ये बात जा चुकी है? अब ये तो हमको नहीं मालूम। अभी आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? हम यही कहना चाह रहे हैं, हम सांसद के पास आज ही जा रहे थे लेकिन उनकी बच्चे की शादी के कारण हम रुक गए। तो सांसद जी से भी आप निवेदन करना चाह रहे हैं और विधायक जी से भी? सांसद जी से हमने बल्कि छत पर पैसे मांगे थे पिछले साल। क्या बोला था? तो उनने बोला था कि तुम सरपंच के कागज भेज देना, हम उनके खाते डाल देंगे, छत डल जाएगा। तो कोई कारण बस हमने वो फिर कुछ नहीं कर पाया, तो फिर इसके बाद में रोक लगा दी, बोले अब एक जगह है ये मंदिर, यहाँ निर्माण नहीं होगा। अब निर्माण क्या होता, नहीं होता तो पहले से ही नहीं होता। अब टॉप बीम तक मंदिर पहुंच गया, छत डल जान दो, लोगों की छाए हो जान दो, उसमें तुम्हारा क्या दिक्कत? अच्छा, पूरे ग्राम के नागरिक आपके साथ हैं तो ये अभी तक तो हुआ ही नहीं? पूरे ग्राम के नागरिक हमारे साथ हैं, पूरा क्षेत्र हमारे साथ है, पूरे क्षेत्र से हमने उगाही कर करके वो टॉप बीम तक हम मंदिर ले गए। वो अब छत की प्रॉब्लम है, अब शासन की जैसी नीति है, हम तो जिस दिन से ये बंद किया है पुलिस ने, हमने उस दिन से कोई काम नहीं। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, पुलिस आई थी यहाँ, SDM आए थे, तहसीलदार आए थे, बंद कराने हम नहीं मिले। चल ठीक, तो आप प्रशासन से मांग यही करना चाह रहे हैं बस कि हमारा मंदिर बनना दे? मंदिर बनना चाहिए। धन्यवाद।